अब देखिए बच्चों क्या है, ये जो सर्किट है इस सर्किट में करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर आप मानते हो कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है। मतलब क्या है, सारी की सारी बैटरीज ही जो है वो किसका काम कर रही है बेटे, लोड का काम कर रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारी बैटरीज लोड का काम कर रहे हैं? अच्छा देखो, कोई एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर मेंस कब होगा? अगर एक ही हुआ तो क्या होगा? बेटे अगर मेंस एक ही होता है ना, तो फिर वो अप्रैल से पहले नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। समझ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ कि एक ही बार मेंस हो रहा है, तो इट विल नॉट टेक प्लेस बिफोर अप्रैल, उसके पहले नहीं हो पाएगा। अब देखो इस तरह से तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सर्किट में एक सोर्स तो होना चाहिए ना कम से कम। तो क्या है, ऐसे करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा भाई? करंट को जो है वो इसी तरीके से फ्लो करना पड़ेगा, सो दैट ऑल बैटरीज एक्ट एज सोर्स। अब सारी बैटरी सोर्स की तरह से काम कर रही है, ऑल द बैटरीज आर एक्टिंग एज सोर्स, आई कैन डायरेक्टली एड देयर EMFs, क्योंकि सब द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द बैटरी, सारी ही बैटरीज में से सेम करंट फ्लो होगा। तो वी कैन से दैट सच सेल्स आर इन सीरीज। इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू मेनी सेल्स, देन दे आर सेट टू बी इन सीरीज। हम क्या कहेंगे भाई कि वो सेल्स जो है वो कैसे हैं? दे आर इन सीरीज। और फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट ईएमएफ को किससे लिखेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। और आर इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अब इस पर्टिकुलर केस में तो देखो क्या है, सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सोर्स की का ही काम कर रहे हैं, तो सबका ईएमएफ पॉजिटिव ईएमएफ की तरह से काम काउंट करेंगे अपन। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, सो इट विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? और व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट? दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 ओम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। सो व्हाट आई कैन डू इज कीप द सेम पोलैरिटी एंड रिप्लेस ऑल दीज सेल्स बाय ए सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ 11 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में अलग से लगा हुआ है। तो अभी करंट पता कर सकते हैं अपन, क्या 11/9 एम्पियर के बराबर करंट आ जाएगा बच्चों?
हाँ सर, सारे लोड की तरह से काम नहीं कर सकते ना बेटे। देखो इसमें क्या है, अगर करंट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजोगे तो क्या होगा, ऑल सेल्स विल स्टार्ट एक्टिंग एज लोड। लोड मतलब दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सप्लाई करने वाला तो कोई होना चाहिए सर्किट में, एटलीस्ट एक सप्लाई करने वाला तो होना चाहिए। सभी लोड नहीं हो सकते ना, रेजिस्टेंस तो लोड है ही, सारे सेल्स भी लोड की तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा इसमें एक बात और पूछी थी कि ये 1 वोल्ट वाला जो ईएमएफ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, तो वो कैसे लिखेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम सेल, तो वो हो जाएगा ई माइनस आई आर, यानी के 1 वोल्ट माइनस करंट कितना आया था बच्चों हमारा 11/9, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ही है, तो मतलब कितना आ रहा है, ये -2/11 वोल्ट। नाइन हाँ बेटे, -2/9 -2/9 वोल्ट, -2/9 बेसिकली ये कौन सी वैल्यू आई है, अगर इस पॉइंट को अपन ए नाम दे और इसको बी नाम दें, तो ये मैंने VB माइनस VA निकाला है एक्चुअली। ये वैल्यू क्या है, VB माइनस VA है ना। जब भी आप E माइनस आई आर करते हो तो आप तो यही अज्यूम करके चल के करते हो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज एट लो पोटेंशियल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वैल्यू आप निकालते हैं। ये सबने नोट किया भाई, सर आप इसका पीडीएफ भेजोगे ना? सर इसका पीडीएफ तो भेजिए। आगे चले फिर, अच्छा देखिए भाई, अगर मान लो ये सेल है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह से, सोर्स की तरह से, सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर सेल ऐसा है और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है, लोड की तरह से है ना, इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक, लोड कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोर्स सप्लाईज इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और लोड क्या करता है बेटे, इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए जैसे इसी में अभी हमें पता करना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस बोथ द सेल्स। कितना करंट फ्लो कर रहा है दोनों सेल्स के अक्रॉस, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको? देखो फिर से हम क्या है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट मानेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करंट मानेंगे। अब देखो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानते हो आप, इसका मतलब क्या है, 2 वोल्ट का सेल कैसे काम कर रहा है बेटे, सोर्स की तरह से, लोड की तरह से, सोर्स की तरह से, और 5 वोल्ट वाला लोड सोर्स की तरह से, है ना। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हो, कम ईएमएफ वाला सोर्स की तरह से काम करे और ज्यादा ईएमएफ वाला लोड की तरह से काम करे। ज्यादा ईएमएफ वाला और कम ईएमएफ वाला अगर कनेक्टेड है तो ज्यादा ईएमएफ वाला ही हमेशा सोर्स की तरह से काम करेगा, तो ऐसा डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं हो पाएगा। करंट का डायरेक्शन इसका मतलब इस तरह से, ठीक है। अभी 5 वोल्ट वाला काम कर रहा है सोर्स की तरह से और 2 वोल्ट वाला काम कर रहा है लोड की तरह से, है ना। अब अगर मेरे को इक्विवेलेंट ईएमएफ इस सर्किट का लिखना है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे लिखेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका लिखेंगे E1 माइनस E2, दैट इज 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 3 वोल्ट के बराबर। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है तो 1 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज कितना, 2 ओम के बराबर का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे। अब ये इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट जो हमने बना दिया है वो 5 वोल्ट की पोलैरिटी के जैसा बनाएंगे कि 2 वोल्ट की पोलैरिटी के जैसा बनाएंगे, मतलब वो करंट को क्लॉकवाइज में फ्लो करवाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में? उसको हम 5 वोल्ट की पोलैरिटी जैसा बनाएंगे बच्चों, है ना, क्योंकि अब एक ही सेल लगाओगे तो उसको सोर्स की तरह से काम करना ही करना है, और हमने ये जो इक्विवेलेंट निकाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान करके निकाला है, तो उसको भी हम सर्किट में ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कि वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए, मतलब इस तरीके से 3 वोल्ट और 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रख देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे बच्चों, 4 ओम का एक रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में लगा दें। तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा भाई, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस 4 ओम, मतलब 3/6 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा।
और ये अगर 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, एक पार्ट तो ये हो गया। फिर हमसे बोल रहे हैं कि 5 वोल्ट के अक्रॉस, दोनों सेल्स के अक्रॉस कितना कितना ड्रॉप आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 वोल्ट सेल, तो क्योंकि वो सोर्स की तरह से काम कर रहा है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप लिखेंगे टी माइनस आई आर, तो हो जाएगा 5 - 1/2 × 1, दैट इज 4.5 वोल्ट का ड्रॉप उसके अक्रॉस आ जाएगा। और जो दूसरा वाला सेल है, कौन सा, 2 वोल्ट का, वो लोड की तरह से काम कर रहा है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप आप लिखोगे कितना, E प्लस आई आर, दैट इज 2 प्लस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 2 प्लस 1/2 मतलब कितना, 2.5 वोल्ट के बराबर का ड्रॉप आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अगर हम टर्मिनल्स मार्क करें ए बी सी डी, तो हमेशा ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर, ये किसी भी सेल के लिए कौन सा पोटेंशियल आपको देता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे 5 वोल्ट के लिए ये वैल्यू क्या देगा हमको, ये VB माइनस VA के बराबर देगा। और उसी तरह से 2 वोल्ट के लिए क्या, किसके बराबर होगा ये बेटे, इट विल बी इक्वल टू VC माइनस VD। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ओके, अब देखिए क्या है, अब ये सारी जो बातें थी ये थी किसकी बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग, है ना। अब हम बात करते हैं तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 अप टू ईn, एंड आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 अप टू RN। लेकिन हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जब E1, E2, E3 की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो प्रॉपर पोलैरिटी के साथ सब्सिट्यूट करें। और पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे, आप कोई एक डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो, अगर जिस सेल में करंट लो टर्मिनल से मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है तो वो सोर्स की तरह से काम कर रहा है, उसके ईएमएफ को पॉजिटिव ईएमएफ की तरह से काउंट कर लो। और अगर कोई सेल में करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो लोड की तरह से काम कर रहा है, उसके ईएमएफ को आप नेगेटिव ईएमएफ की तरह से काउंट कर लो और फिर एल्जेब्रिकली ऐड कर दो दोनों सर। अब देखिए उसी तरह से क्या होता है, कभी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमसे कहा जाए भाई ये 8 वोल्ट 2 ओम का सेल है और एक क्या है
6 वोल्ट 2 ओम का सेल ये, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, एक ऐसे रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, कैसा पैरेलल, और ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, लेट्स से इट इज इक्वल टू 9 ओम. तो हमें पता करना है फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर. अब देखिए बेटे, ये जो बैटरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो इस रेजिस्टर के लिए हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इट विल बी ई1 बाय आर1 प्लस E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. और यहां भी क्या है, हमें E1 and E2 must be substituted with proper signs. प्रॉपर साइंस के साथ आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा. प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है का मतलब क्या है, अगर दोनों की पोलैरिटी एक जैसी है तो दोनों को पॉजिटिव रख दो, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रख दो. अब जहां देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस बात का निर्णय हमने हाउ वी डिसाइडेड दैट वेदर दे आर कनेक्टेड इन सेम पोलैरिटीज और अपोजिट पोलैरिटीज, वी अज्यूम्ड सम डायरेक्शन ऑफ करंट. And if according to that current some batteries were acting as source, we took their EMF as positive. और अगर कुछ batteries load की तरह से काम कर रही तो उनकी EMF को हमने negative EMF की तरह से count कर लिया. यहाँ पर parallel combination में कैसे decide होगा बेटे कि वो same polarity की है या opposite polarity की, तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि अगर उनके positive और positive terminal आपस में connected है ना, जैसे देखो ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये आपस में कनेक्टेड है. अब इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी की तरह से काउंट होंगे, है ना. उसी तरह से इधर जो है वो नेगेटिव वाला कनेक्टेड है पॉजिटिव वाले से, तो इसको अपन क्या कहेंगे कि ये सेल्स जो है वो अपोजिट पोलैरिटी के तरीके से कनेक्टेड है. अब अपोजिट पोलैरिटी की तरह से कनेक्टेड है तो एक को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना. तो किसको पॉजिटिव माने, देखो जो बड़ा ईएमएफ दिख रहा है जनरली उसको पॉजिटिव मान लिया करो, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा क्या, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई1 बाय आर1, सो दैट इज 8/2 माइनस ई2 बाय आर2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. So 8/2 is 4. Sorry, अब दूसरा वाला क्या था, 6/2 था. So 8/2 is 4, 6/2 is 3. Divided by 1/2 plus 1/2, that is 1. तो ये 1 volt का equivalent EMF आ जाएगा. और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो ये 1 ओम के बराबर का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा सेट है इसको हम 1 volt EMF और 1 ohm internal resistance से replace कर सकते हैं. और क्या है हमारे पास,
उसके अक्रॉस एक 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ही, तो अब ये करंट जो है वो इस तरह से सप्लाई करेगा और 9 ओम में ऐसे करंट फ्लो करने लग जाएगा। करंट कितना फ्लो करेगा बेटे, E अपॉन R प्लस R लिखते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस 9 दैट इज 1 बाय 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करेगा। और करंट 0.1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है, हमसे पूछा है कि सारे सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता करो, क्योंकि देखो सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए, और उनके पैरेलल में कनेक्टेड है 9 ओम का रेजिस्टर, तो जो 9 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है वही सेल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल सेल्स को सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं, इट विल बी आई आर, तो आई इज 0.1, आर इज 9, तो 0.9 वोल्ट का ड्रॉप सारे सेल्स के अक्रॉस आ जाएगा बच्चों। अगर आप देखो इंडिविजुअली अलग अलग सेल्स के लिए करना चाहते तब भी कर सकते थे, जैसे आप देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है सेल में, राइट से लेफ्ट, है ना। तो इस ओरिजिनल डायग्राम को हम दोबारा एक बार बना लें, देखो ये ऐसा। अब क्या है, ये ऊपर वाले मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ठीक है, तो इसमें ड्रॉप कैसे लिखेंगे भाई, E माइनस आई आर, तो E माइनस आई, आई इज 0.1 एंड आर, आर इज 2। अच्छा, देखो 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 भाई बात क्या है, ये इस वाले सेल में से करंट 0.1 एम्पियर थोड़ी जा रहा है, 0.1 एम्पियर जो करंट जा रहा है वो तो बेटे किधर से जा रहा है, 0.1 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है, समझ रहे हैं बच्चों। यहां से कुछ करंट जा रहा होगा आई, आई में से ये आई आया, आई में से 0.1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना गया, इसका मतलब आई माइनस 0.1 एम्पियर करंट इधर गया, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, है ना। तो अब देखो 8 वोल्ट के अक्रॉस ड्रॉप तो 0.9 वोल्ट ही आएगा, और इसकी मदद लेकर के हम ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर वाले सेल में करंट कितना जा रहा है, है ना। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, इधर भी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो आप लिखोगे E माइनस आई इंटू आर, ये किसके बराबर होगा, 0.9 वोल्ट के बराबर। तो यहां से 8 माइनस 0.9 की वैल्यू किसके बराबर आएगी,
2i के बराबर, तो i की वैल्यू आ जाएगी 7.9 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या 3.95 एम्पियर के बराबर का ये करंट आ जाएगा? है ना? और अगर नीचे वाले सेल में से पता लगाना है हमें कितना करंट जा रहा है, तो बस आपको आई पता चल गया, उसमें से 0.1 सब्ट्रैक्ट करना, तो आई माइनस 0.1 वो कितना आ जाएगा, 3.95 माइनस 0.1 मतलब कितना, 3.85 एम्पियर करंट उधर चला जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ सर। पैरेलल में है तो क्या है, करंट तो दोनों में, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप तो दोनों में सेम आना ही आना है। अब देखो कभी कभी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। ये हमें तीन सेल्स दिए हुए हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं, और इनके ईएमएफ्स क्या क्या हैं? मान लो इसका ईएमएफ हमें दिया जा रहा है 8 वोल्ट 2 ओम, इसका दिया जा रहा है 4 वोल्ट 2 ओम, इसका दिया जा रहा है 2 वोल्ट एंड 2 ओम। और हमसे दो सवाल पूछ रहे हैं, पहला क्या है, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी और दूसरा क्या, शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए एंड ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी एंड शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए एंड बी, ये हमें पता लगाना है। ट्राई कर सकते हैं बच्चों इसको।
तो देखो ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी, पहले ये पता करते हैं इसका मतलब क्या होता है भाई ओपन सर्किट वोल्टेज। उनके कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच में हमने कुछ भी नया कनेक्शन नहीं किया है, तो आप बताओ कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, मतलब कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हो आप, ए और बी टर्मिनल जो है उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, इनमें आपस में इंटरनली कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हो जाए, हम कोई एक्सटर्नल रजिस्टर वगैरह कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो हम तो क्या मान सकते हैं कि इसको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह से मान करके और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल देते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और वो जो फाइनली बैटरी बनेगी उसके अक्रॉस कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं करेंगे, और उसके अक्रॉस कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं करोगे और पोटेंशियल ड्रॉप की बात करोगे तो फिर वो ओपन सर्किट वोल्टेज तो ईएमएफ के बराबर ही आ जाए, है ना। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा ना वो इक्विवेलेंट ईएमएफ के बराबर ही आएगा बच्चों, और इक्विवेलेंट ईएमएफ को आप क्या लिखोगे, ई1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू माइनस E3 बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो 8 बाई टू इज 6, 4 बाई टू इज 2, 2 बाई टू इज 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, 7 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 14 बाई 3 वोल्ट के बराबर का आंसर इसका आएगा बच्चों। सर 8 बाई 2 4 होगा ना, 8 बाई 2 4 होगा। फोर प्लस टू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 10 बाय 3 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Okay. अब हमें क्या करना है बच्चे, शॉर्ट सर्किट करंट पता करना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है, इन तीनों के अक्रॉस मतलब ए और बी को हमने क्या किया, शॉर्टिंग कर दिया। शॉर्टिंग कर दिया मतलब आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो देखिए बात क्या है बेटे, इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए तो आप यही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, उस केस में आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटे, क्या वो सीधे सीधे 2/3 ओम लिख सकता हूँ, बराबर है तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3/2, ये 1/r आया है तो r आ जाएगा कितना 2/3 ओम के बराबर, r की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार आपके पास ये आ गया तो बेसिकली इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, और आपको क्या करना है, सर्किट को शॉर्ट ही तो करना है। तो ये हो गया 10/3, इधर हो गया 2/3, और आपने क्या किया साहब, इसको आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया। अब बस करंट पता करना है, तो करंट कितना हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाई 2/3 मतलब 5 एम्पियर आ जाएगा। इस करंट को क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट।
अच्छा इसमें एक चीज ये भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर मान लो एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम पोलैरिटीज इन सीरीज देन इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर हो जाएगा एन ई के और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा एन आर के। और अगर क्या है एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सेम पोलैरिटीज तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर बाय एन के बराबर आएगा। ऐसा क्यों भाई, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही कैसा आ जाएगा? देखो आप क्या लिखोगे, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री, ऐसा एन बार लिखोगे। और वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, ये भी एन बार लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एन ई बाई आर डिवाइडेड बाई एन बाई आर। तो एन बाई आर से एन बाई आर कैंसिल हो गया, क्या ये ई के बराबर आ जाएगा बच्चों, है ना? और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल मतलब ये आर बाई एन के बराबर ही आएगा। सर? हाँ बोलो बेटे। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट बोलो। था, इसके पहले वाले में। इसके पहले वाले में इसमें, हाँ हाँ सर, बोलो। सर हमने इसमें वो 8 वोल्ट वाले सेल को पॉजिटिव में लिया था और 6 वोल्ट वाले को नेगेटिव में लिया था ना, हाँ तो सर करंट का डायरेक्शन 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग होगा। यस, हाँ सर वही डॉक्टर। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे 8 वोल्ट को आपने पॉजिटिव लिया, 6 वोल्ट को नेगेटिव लिया और फाइनली जो ईएमएफ आ गया वो पॉजिटिव ही आ गया, है ना? इसका मतलब 8 वोल्ट हाँ के सर, अकॉर्डिंग ही आ गया, तो फिर 8 वोल्ट वाला डिसाइड। अगर मान लो फाइनल ईएमएफ नेगेटिव आ जाता, ठीक है, हाँ सर, तो फिर क्या है, इसका मतलब वो दूसरा वाला जो सेल है उसके वो डिसाइड करता फिर भाई, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ जाता तो मैं ये जो मैंने इक्विवेलेंट सेल बनाया है वो मैं 8 वोल्ट के जैसा बनाया है अभी, और अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर मैं वो 6 वोल्ट के जैसा बनाता। अब अगर 6 वोल्ट के जैसा बनता तो फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता ना बेटे, हाँ सर, हाँ सर क्लियर हो गया सर। है ना? सर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है सर, तो कैलकुलेशन क्या क्या बोल रहे बेटे, किसमें? मिस्टेक है सर इसमें, बॉटम राइट में सर 8 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। क्या क्या बोल रहे हो? सर 8 माइनस 0.9 आएगा ना उधर, 0.1 की जगह। अच्छा हाँ यार, ये सही है। 8 माइनस क्या आएगा, 0.9 इक्वल टू 2 आई, तो ये कितना बनेगा, 7.1 डिवाइडेड बाय 2 आई, तो ये होगा कितना, 3.55 है, तो ये फिर कितना आएगा, 3.4।
जी बिल्कुल सही। अच्छा एक बच्चा डाउट पूछ रहा है सर, शॉर्ट सर्किट में आग क्यों लग जाती है? भाई देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा कोई सर्किट बना हुआ है ना, अब जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ हाई पोटेंशियल है ना, बिकॉज ऑफ सम अदर सेल, लेकिन आपने क्या किया अचानक से दो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इस रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डीवी बाय डीएल के बराबर होता है ना, माइनस डीवी बाय डीएल के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स को जब आप पास पास लेकर के आओगे तो क्या होगा वो स्पार्क जैसा प्रोड्यूस होगा ना वहां पर, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस एयर ही आयनाइज हो जाएगी, और एयर आयनाइज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एयर के थ्रू फ्लो करना चालू कर देंगे, और ऑब्वियसली एयर में तो क्या है रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है, तो उसमें से इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि वो इट कैचेस फायर। जैसे दो दो अपोजिट पोलैरिटी के तार हों और उनको आप क्या है ऐसे पास लेकर के आओगे तो क्या होगा अपोजिट पोलैरिटी के वायर्स को जब आप टच कराते हो तो स्पार्क जनरेट होता है ना, तो वही सर्किट में भी अगर मान लो क्या है आपने किसी तरह से कंडक्टिंग मीडियम बन गया, पानी वानी चला गया, तो फिर क्या है स्पार्क जनरेट हो सकता है, स्पार्क की वजह से इट में कैच फायर है ना। ये जो शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट है ये फ्यूज वायर बनाने के काम भी आता है, फ्यूज वायर बेसिकली क्या होता है कि एक बहुत ही पतला सा वायर होता है जो कि क्या है जैसे ही उसमें अगर करंट ज्यादा फ्लो किया तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से उसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, और हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो क्या होगा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट मेल्ट्स, एंड इट मेल्ट्स तो क्या है इट ब्रेक्स द सर्किट, सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो अनएक्सपेक्टेडली हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है सर्किट में बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम तो क्या है वो फ्यूज वायर जो है वो सर्किट को ब्रेक करके उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं रोक सकता है ना। जैसे मान लो शॉर्ट सर्किटिंग ही हो गई, और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से देखो जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होगी क्या होगा रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब मेन से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, तो इससे पहले कि आपका कोई और अप्लायंस वगैरह खराब हो तो वो क्या है सर्किट को फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक कर देता है। या जैसे आजकल के घरों में क्या होता है एमसीबी लगा हुआ होता है जो कि ट्रिप कर जाता है, तो वो जो ट्रिपिंग ऑफ एमसीबी इज लाइक अ सेफ्टी मैकेनिज्म। मान लो कि यू हैव सम अप्लायंस इन योर होम एंड विच इज माल फंक्शनिंग, उसमें कुछ गलती एरर आ गई है, कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, पानी वानी चला गया है या अर्थिंग वाला तार उससे कनेक्ट हो गया है, तो क्या होगा वो डिवाइस जो है वो ज्यादा मतलब जितने करंट के लिए वो बनी हुई है उससे कहीं ज्यादा करंट वो खींचेगी। अब कहीं ज्यादा करंट खींचेगी तो जाहिर सी बात है कि हमने जो भी वायरिंग की हुई है वो सर्टेन करंट को ध्यान में रख के की हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा करंट अगर फ्लो करने लग जाएगा तो क्या है डिवाइस खराब तो हो ही सकती है, इट मे कैच फायर ऑल्सो, सर्किट में कैच फायर ऑल्सो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है एमसीबी लगाई जाती है, पहले फ्यूज वायर लगाया जाता है। अब देखिए क्या है मान लो हमारे सामने एक इस तरह की ग्रिड बना दी गई, ग्रिड से हमारा मतलब क्या है बेटे के
अब हमारे पास मान लीजिए क्या है, कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, के मान लीजिए क्या है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, ऐसा है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ रोज की बात करोगे तो वो हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय के, दिस विल बी द नंबर ऑफ रोज। तो इस पूरे ग्रिड का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, अगर हर सेल आइडेंटिकल है, हर सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो देखो पहले एक सीरीज की बात कर लो, एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटे, एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ये कितने बार करना है आपको, के बार करना है। तो क्या ये के ई के बराबर आ जाएगा, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू के आर। अब ऐसे आपके पास क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ रोज जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। देखो अगर हमने कहा था आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल की ईएमएफ के बराबर ही होता है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो कितना आ जाएगा बेटे के ई, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा के आर डिवाइडेड बाय एन बाय के, मतलब के स्क्वायर आर बाय एन, है ना। तो के ई कॉमा के स्क्वायर आर बाय एन, ये ऐसा आ जाएगा। के ई कॉमा के स्क्वायर आर बाय कैपिटल एन, इतना इक्विवेलेंट ईएमएफ, इतना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या ये चीज समझ में आती है। अब अगर ये पूरे के पूरे ग्रिड को हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर से कनेक्ट कर दें तो उस कैपिटल आर में कितना करंट फ्लो करेगा, करंट थ्रू कैपिटल आर विल बी इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस के स्क्वायर आर बाय एन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय, के को डेनोमिनेटर में ले जाते हैं तो आर डिवाइडेड बाय के प्लस के आर बाय एन। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या है आपके पास, आपको क्या करना है कि लेट्स से कैपिटल एन तो फिक्स्ड है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो फिक्स्ड है। अब आपको क्या करना है कि मतलब ये डिसाइड करना है कि एक रो में कितने सेल्स लगाएं और ऐसी कितनी रोज लगाएं। जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ सेल आपके पास 24 है, तो यू हैव अ चॉइस कि 8 सेल एक रो में लगा दो और ऐसी 3 रो आपस में कनेक्ट कर दो, या एक रो में 4 सेल लगा दो और ऐसी 6 रोज कनेक्ट कर दो, या एक रो में आप 2 सेल लगाओ और ऐसी 12 रो बना दो। मतलब ये आपके पास क्या है, 24 को अरेंज करने का you have a choice. Now we want to select that value of k for which current is maximum. So, dekhiye, EMF to fix hai,
यहाँ पर जो k के साथ वेरी कर रहा है वो ये डेनोमिनेटर ही तो वेरी कर रहा है, तो अगर इस डेनोमिनेटर को मैं मिनिमाइज कर दूं तो करंट विल गेट मैक्सिमाइज्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फॉर मैक्सिमम करंट R by K plus K R by N should be minimum. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D by DK of R by K plus K R by N must be equal to zero. तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म को डिफरेंशिएट करो, r कांस्टेंट आ गया, d by dk of 1 by k will be minus 1 by k square. फिर दूसरी वाली टर्म में क्या है, r by n कांस्टेंट आ गया, d by dk of k is 1, that is equal to zero. तो क्या आ जाएगा, r by n should be equal to r by k square. That means k should be equal to under root of n into capital R by small. ये ऐसी values की आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। यहां से आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं करंट मेजरमेंट के लिए क्या क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर। ये दोनों किस काम आते हैं, करंट मेजरमेंट। और वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर ये किस काम आते हैं बेटे, पोटेंशियल मेजरमेंट। और मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये किस काम आते हैं, रेजिस्टेंस मेजर। ठीक है, अब देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर, इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल जो है उस पे क्या है, टॉर्क लगेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं।
करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब कैसे, और वो जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, वेयर म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया। दिस इज करंट, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, एन ए इज एरिया। करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया। और डायरेक्शन ऑफ म्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब जैसे ये हमारे पास कॉइल रखी हुई है और करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो म्यू की डायरेक्शन क्या होगी, Going into the plane of the coil। और ये coil है, इसमें अगर मान लो current anti-clockwise direction में flow कर रहा है, तो mu की क्या direction होगी, coming out of the plane of the coil। आपने अगर मान लो जैसे इस तरह के region में इसको रखा, इधर magnetic field है, बोर्ड के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा कि इसका म्यू वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए। अभी म्यू वेक्टर इनटू द प्लेन है, तो पता है ये कैसे रोटेट होगा, इसकी इस तरह की डायमीटर के अबाउट क्या ये ऐसे उठ सकता है क्या पूरा, है ना, ये बोर्ड के प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ये यूं रोटेट होकर के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट करंट की डायरेक्शन में ही वेक्टर बी, मतलब जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में आ जाए। So that mu becomes parallel to vector B. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ऐसा बी है अगर और म्यू ऊपर की तरफ है, तो ये कैसे, अभी म्यू ऊपर की तरफ है तो कैसे रोटेट होगा, ऊपर से वेक्टर बी के पैरेलल हो जाए, है ना। तो जैसे अगर ये कॉइल रखी हुई तो ये इस तरह से रोटेट होगी। समझ में आती है बात बच्चों? ऐसे इफ कंसीडर दिस टू बी द कॉइल, इट इज प्लेस लाइक दिस करंटली, तो सेकेंड वाले सिनेरियो में करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो म्यू इज अपवर्ड, तो हाउ विल इट रोटेट, इट विल रोटेट लाइक दिस, सो दैट म्यू बिकम्स पैरेलल टू वेक्टर बी। और देखो क्योंकि म्यू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। Torque exerted by magnetic field is directly proportional to the current in the coil। अब देखो हम क्या करते हैं, एक ऐसा
सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और इस सॉफ्ट आयरन कोर में क्या है वाइंडिंग्स वायर की कर देते हैं। ये ऐसी वायर की वाइंडिंग्स कर देते हैं ना? मतलब देखो ये कैसे जा रहा है, जैसे अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन है तो यहां से आपने डायमीटर का क्रॉस वाइंड किया और इधर लेंथ जा रहा है, तो फिर वो लेंथ के अलोंग जा करके फिर वापस ऐसे आ करके ये ऐसा, तो ये लूप का शेप कैसा बनेगा बच्चों? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द कॉइल? ये जो कॉइल बनी है ये कैसा एरिया घेर रहा होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर एरिया घेर रहा होगा? हाँ सर, है ना? और इसको फिर हम क्या करते हैं, दो पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में इसको हम रख देते हैं। वो मैग्नेट्स क्या हैं, परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करके रखते ही हैं, है ना? और उनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है बेटे? वो ऐसा रेडियल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड होता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन रेडियल डायरेक्शन। अब देखिए क्या होगा कि जब तक इस कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ क्या होगा, इस पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल क्या होगी, दिस कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये इस कोर तो फिक्स रहेगा, ये कॉइल जो है वो कोर के ऊपर ऐसा रोटेट करेगा। When current is passed through the coil, it starts rotating. और ये rotate करना चालू करेगी तो क्या होता है, हम इस कॉइल के साथ एक यहां पे स्पाइरल स्प्रिंग भी कनेक्ट करके रखते हैं। ये जैसे ही कॉइल रोटेट होती है तो क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है वो इट आइदर गेट्स इलोंगेटेड और इट गेट्स कंप्रेस्ड। तो अगर ये इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड होगी तो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी, है ना? तो द कनेक्टेड स्प्रिंग विल एक्सर्ट टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्सर्ट करेगी, द कनेक्टेड स्प्रिंग विल एक्सर्ट टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? तो क्या होगा, वो इसको देखो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को रोटेट कर रहा है और स्प्रिंग का टॉर्क जो है वो इसको रोटेट करने से रोक रहा है, है ना? तो एक पोजीशन आएगी जहां पर क्या है, ये फाइनली जाकर के इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम
हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बराबर हो जाना चाहिए स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क मैं लिख दूंगा कितना, म्यू इंटू बी, और स्प्रिंग का टॉर्क लिखते हैं सी इंटू थीटा, वेयर सी इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग। जैसे लीनियर स्प्रिंग का फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, उसी तरह से इस स्प्रिंग का टॉर्शनल कॉन्स्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू को आप लिख दीजिए करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू सी थीटा। इसका मतलब थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी एन ए डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो इतना एंगल से रोटेट होगी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ करंट। इनफैक्ट बी एन ए बाय सी जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये बी एन ए बाई सी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है बच्चों। मतलब थोड़ा सा करंट भेजते ही उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया बेटे कि जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप क्या करो, एक इस तरह का सर्कुलर स्केल डिजाइन कर सकते हो, उससे आपको करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी और करंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। है ना, कैलिब्रेशन कर लो पहले। आप क्या है, नोन अमाउंट ऑफ करंट भेज दो। जैसे मान लो आपने एक एम्पियर करंट भेजा और आप देखते हो कि 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप 5 डिग्री पे जाकर के लिख दो 1 एम्पियर, 10 डिग्री पे जाकर लिख दो 2 एम्पियर, 15 डिग्री पर जाकर लिख दो 3 एम्पियर। ऐसे करते करते पूरे स्केल को कैलिब्रेट कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, क्या, गैल्वेनोमीटर का। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। अभी आप लोगों की क्या मैथ्स का लेक्चर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके अच्छा ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो बेटे, क्या डाउट है?